और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं और राष्ट्रपति के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और लगातार 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता, राजसी ठाटवाड़ से दूर एक सादगी पन उनके जीवन का हिस्सा बना रहा और यह राष्ट्रपति भवन में भी उस दौरान जिन परंपराओं की शुरुआत उन्होंने की थी वो आज भी राष्ट्रपति भवन के अंदर देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत में जब भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात आई, 1991 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद वे गए थे और उन्होंने इस बात को बड़े मजबूती के साथ कहा था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार भारत और भारतीयता को दुनिया के मंच तक पहुंचने और भारत की आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और उस समय उन्होंने उस कार्यक्रम में जाकर के इस बात का उल्लेख किया कि हजारों वर्षों से इस पावन स्थल की हम पूजा करते रहे हैं, ये हमारी आराधना और हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। अनेक सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस स्थान ने उन चुनौतियों को झेला है, उसका सामना किया है और आज मैं अपने आप को गौरव की अनुभूति करते हुए जब मैं इस अभियान के साथ जुड़कर के सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उनका यह उद्घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला अभियान था। प्रयागराज कुंभ के अवसर पर जब मुझे प्रयागराज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और हमारी सरकार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2019 में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को प्रयागराज की धरती पर संपन्न करना है, तो उस समय किले के अंदर जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे जब किले के अंदर मैं गया तो मुझे बताया गया था कि किले में प्रेसिडेंशियल सूट है। मेरी जिज्ञासा हुई, भाई किला तो मुगल काल का है, फिर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब क्या है? तो मुझे बताया गया था कि राजेंद्र बाबू यहां पर कुंभ के दौरान तो आते ही थे, हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए भी आते थे। भारत की परंपरा और आस्था के प्रति क्या उनका लगाव था यह आज भी देखते हुए बनता है। मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था, वे महान थे और अपनी महानता के कारण ही आज उनके जन्म दिवस को पूरा देश, क्योंकि वे पेशे से पहले शिक्षक थे फिर अधिवक्ता हुए, यानी प्राध्यापक पद को छोड़ करके उन्होंने उस समय LLM की डिग्री ली थी, उस कालखंड में ली थी और फिर अधिवक्ता की अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने गांधी जी के उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए वे निरंतर कार्य करते रहे, आजीवन कार्य करते रहे और इसीलिए सरकार ने इस बात को यहां पर तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला हमारा नया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर होगा और वह कार्य हमने प्रयागराज में प्रारंभ कर दिया है। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के इस महान सपूत, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को यहां श्रद्धांजलि दी, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ही अहम स्थान हमारे प्रदेश में उनका था, और साथ ही साथ विकास की बात करें तो विकास के कई काम जो हैं वो उनके द्वारा किए गए थे और हमेशा वो याद रहेंगे।